दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मारुति सुजुकी की ब्लेनो है। इसका एसी जब चालू करते थे तो कूलिंग नहीं हो रहा था, तो हमने गैस चेक किया तो गैस नहीं था। तो जब गैस नहीं था तो हमने इसमें नाइट्रोजन प्रेशर मारा लीक चेक करने के लिए। तो कहां से लीक हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलो बाहर चलते हैं, कहां कहां और क्या क्या लीक हुआ है आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लो वाले से प्रेशर मार के रखा हूं, 320 लगभग प्रेशर मारा हूं। और इसका लीक हुआ है कहां से, ग्लास चालू कर देता हूं जरा साफ दिखने के लिए। मैं इसके ऊपर फेस पानी मार रहा हूं, साबुन का पानी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो सेफ्टी वाल दिया हुआ रहता है कंप्रेसर का, वो लीक हो चुका है। एक लीक यहाँ है कंप्रेसर के हिस्से, और दूसरा लीक आपको दिखाई देगा, क्या नहीं क्या मालूम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली भी यहाँ से लीक हो चुका है, जो कि डिस्चार्ज पाइप कंडेंसर में ज्वाइंट रहता है, वो वाली वहाँ से ओरिंग इसका लीक हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से लीक हो चुका है, डिस्चार्ज पाइप का ओरिंग लीक हो चुका है। इसकी वजह से ओरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया, इसमें मैंने नाइट्रोजन प्रेशर मार के रखा, और नाइट्रोजन प्रेशर मारने के बाद कंप्रेसर का जो सेफ्टी वाल रहता है, जो कि कभी कभी कंडेंसर चौक वगैरह या फिर कंडेंसर हाई प्रेशर यानी सिस्टम हाई प्रेशर लेने लगता है, तो वो वाल में से प्रेशर ऑटोमेटिकली गैस निकल जाता है, वो सेफ्टी वाल कहते हैं, वो लीकेज हो चुका है। और कंडेंसर का पाइप का जो ओरिंग रहता है वो लीकेज हो गया है, तो इसकी वजह से हमको उसका ओरिंग और कंप्रेसर का सेफ्टी वाल चेंज करेंगे, तो अपना काम इजीली हो जाएगा, पूरा एयर कंडीशन सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो ऐसे लेटेस्ट यानी इस टाइप के वीडियोज़ के लिए आप अगर मेरे से इंटरेस्टेड हो तो मेरे से लाइक कमेंट मेरे को करना ना भूले प्लीज। मेरे सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी हो सब करते रहे, और मैंने गाड़ी का वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छी अच्छी वीडियो खुशी खुशी बना पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।